एसएससी वालों, सेट वालों, पेट वालों, जितने भी एग्जाम वालों हो आप, ठीक है, एसएससी, सेट, जो आने वाला एग्जाम है, पेट या फिर बैंक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है ए एंड बी कैन फिनिश अवर अगेन 36 डे। मान लो ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, तो ये टोटल ए एंड बी प्लस बी कर देंगे, यानी कि एक दिन का काम हो गया, और 36 जब इंटू कर दोगे तो यानी कि टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बट द वर्क वॉज फिनिश इन 40 डेज, चूंकि 36 दिन में काम होना था, पर काम कितना दिन हुआ? 40 दिन में। क्यों हुआ? एज ए हैज टू वर्क अलोन इन लास्ट 10 डेज, यानी कि ए जो है वो, तो यहाँ पे ए जो है वो 40 दिन पूरा काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बीच में ए हैज टू वर्क अलोन लास्ट 30 डेज। क्यों काम किया? क्योंकि बी छोड़ दिया काम, शायद इसलिए। ए हैड टू वर्क अलोन लास्ट ईयर, क्योंकि बी छोड़ दिया। सिंपल, अगर ए 40 दिन काम कर रहा है, यानी कि बी 30 दिन काम किया है, तभी ना ए 40 दिन, 10 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट 10 डेज एक्स्ट्रा अकेले ही काम कर रहा है, तो बी 30 दिन काम किया, लास्ट 10 डेज एक्स्ट्रा काम किया, क्योंकि बी छोड़ दिया था बीच में, तो काम कुछ अधूरा था, उसको भी ए कंप्लीट कर रहा है। तो ये भी दोनों मिला के भी इक्वल, मतलब कि ये दोनों मिल जा रहा तो भी इक्वल काम हो रहा है। अब ये भी काम उतना ही हो रहा है, तो ये ए प्लस बी मिलकर जितना 37 दिन में कर रहे हैं, उतना ए 40 दिन और प्लस बी 30 दिन में काम को कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल काम कर रहे हैं। अब यहाँ से आप इस इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा कि 36A+36B इज इक्वल टू 40A+30B। यहाँ से आप देखो तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम, हाँ, इसको अगर इसको इधर ला दे तो 4A हो जाएगा, और इसको इधर ला दे तो 6B हो जाएगा, और ए इज टू बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि एक दिन में ये लोग 5 काम करेंगे, और 36 दिन में कितना करेंगे? टोटल वर्क कैसे निकल जाएगा? 36 दिन में 180 काम, 36 × 5 = 180 काम। टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 180 काम था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? व्हाट टाइम विल बी अलोन फिनिश वर्क? बी का कैपेसिटी क्या है? 3 वर्क पर डे, 3 वर्क पर डे। आई थिंक यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 6 इधर है ना, और ए के साथ 4 है, तो ये 3:2 हो जाएगा यार, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है आप लोग रेशियो में, 3:2 होगा, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यानी कि ए जो है, देखो यहाँ पे सेम आया, क्योंकि इन दोनों को मैंने ऐड किया। अगर एक एक का कोई रहता ना, खाली ए इंटू 36 करना रहता था, ये टोटल वर्क भी गलत आता। यहाँ पे ये दोनों मिल के 5 काम कर रहे थे, 36 दिन में 180 काम करेंगे, टोटल 180 काम हो गया। बोल रहा अगर बी अकेले करे तो कितना करे, कितना दिन लगेगा? चूंकि 180 काम है, हर दिन जो बी है वो 2 काम कर रहा था, यानी कि 90 डेज लग जाएगा बी को काम खत्म करने में। उम्मीद समझ गए होगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो उस मिस्टेक के लिए आप लोग माफ कर दो, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, ये क्वेश्चन खत्म। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।